हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम्स की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, आईटी प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आईटी प्रैक्टिकल एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कोपा ट्रेड, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्रेड प्रैक्टिकल का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि स्टूडेंट्स आप सभी को पता चल सके कि आपके कोपा ट्रेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 250 यानी कि 250 मार्क्स का होता है। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 150 है। हाँ, यहाँ पे आप लोग जो है, आप सभी को पता है आपका एग्जाम जो है आपके कॉलेज में लिया जाता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 250 में से मैक्सिमम मार्क्स आप लोग हासिल कर सको, ठीक है। बस इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को तैयारी करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जो है आप लोगों को डिसिप्लिन, समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत ही शानदार मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। आप देखिए, क्वेश्चन पेपर में जो है आप लोगों के यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन मतलब आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखना अनिवार्य रहेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्रिएट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप लोगों के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है ऑफ एटलीस्ट 5 स्लाइड, जिसके अंदर 5 स्लाइड हो। 5 स्लाइड का मतलब, देखो जो रेगुलर क्लासेज आ रहे होंगे उनको तो पता होगा कि स्लाइड का मतलब है एक पेज एक तरीके से, ठीक है। तो आपको 5 ऐसी स्लाइड आप लोगों को आपका जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसमें बनाना है, ठीक है। स्लाइड टू लर्न नेटवर्क, नेटवर्क को सीखने से रिलेटेड जो है आपको कंटेंट यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर लिखना है। एंड इट्स टाइप, और उसका टाइप भी आप लोगों को बताना है। अप्लाई द स्लाइड एनिमेशन, स्लाइड एनिमेशन आप लोगों को लगाना है। ट्रांजिशन आप लोगों को लगाना है, ट्रांजिशन मतलब समझ लो ना, एक के बाद एक स्लाइड कैसे चलेगी, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को उसमें प्रिपेयर करनी है। सेट स्लाइड शो, स्लाइड शो को आप लोगों को सेट करना है। सेव योर वर्क इज कंप्यूटराइजेशन इन योर फोल्डर, आपको जो है ये पूरा का पूरा काम करके आपके फोल्डर में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो 70 मार्क्स का है, हालांकि यहाँ पे वाइवा जो है उसका भी आप लोगों को क्वेश्चन से करना पड़ेगा। जो वाइवा है जो है उसमें भी आप लोगों को आंसर्स बताना पड़ेगा, तब जाके आपको टोटल 70 मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने फोल्डर बना दिया और बस 70 मार्क्स फिक्स हो गए, वाइवा के भी मार्क्स जो इसमें ऐड होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम। देखो प्रोग्राम जो है वो तो 100% आएगा आपके, ठीक है। आप मानो या ना मानो, एक प्रोग्राम जो है आप लोगों के 100% आएगा। कैलकुलेट एरिया ऑफ द सर्किल, सर्किल मतलब है आपका वर्थ जो होता है, वर्थ का एरिया कैलकुलेट। अब एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए आप लोगों को जो है एक प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर प्रोग्राम लिखना है यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए आप लोगों को प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके अलावा आपको जो है ट्राइंगल का जो एरिया है, ट्राइंगल का एरिया जो है वो फाइंड आउट करने के लिए भी जो आपको पता होना चाहिए। ट्राइंगल का एरिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसके अलावा एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है, जिससे भी हम जो ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी जो आप लोगों को एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्राम वाला क्वेश्चन जो है वो तो 100% श्योर आएगा आपके, कन्फर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में जो थर्ड है वो है क्रिएटिव कंपनी एज ए महावीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन दिल्ली विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हाँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ आप लोगों को जो है टेली पर आप लोगों को एक महावीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी डिज़ाइन करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। ये कंपनी क्रिएट करना है इन टेली, टेली के अंतर्गत, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, राइट। पास द फॉलोइंग एंट्रीज, और ये सारी की सारी जो एंट्रीज है उसमें आप लोगों को फिल करना है। सागर स्टार्टेड, जैसे मान लो सागर ने जो है ये कंपनी स्टार्ट की बाय ब्रिंगिंग कैपिटल, उसने इतना धन लिया 3 लाख रुपये केस लेकर जो है ये कंपनी स्टार्ट की। किसने स्टार्ट की, सागर ने। ही डिपोजिटेड 1 लाख रुपये केस एट आईसीआईसीआई बैंक में, उसने जो है 1 लाख रुपये डिपोजिट किए। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसने 1200 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। ही विड्रो ₹10,000 केस फॉर इज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उसने विड्रो किया ₹10,000, ठीक है। ही परचेज फॉलोइंग आइटम फॉर कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब के लिए उसने जो है ये आइटम परचेज किए, जिसमें कंप्यूटर था, कंप्यूटर 10 थे, ठीक है, 20,000 का प्रत्येक, ठीक है, 20,000 का प्रत्येक कंप्यूटर था, 10 कंप्यूटर खरीदे। तो ये पूरी की पूरी एंट्रीज जो है आप लोगों को उसमें डालना है, ठीक है।
सो द केस बुक एंड बैंक बुक, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को केस बुक और बैंक बुक बनाना पड़ेगा ऑफ द कंपनी, जो भी आपने कंपनी बनाई ना महावीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो आपने कंपनी बनाई इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे केस बुक और बैंक बुक जो है वो शो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा ये थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का रहने वाला है। इसके अलावा जो है आप लोगों को देखो बैलेंस शीट जो है ये भी काफ़ी बढ़िया है, सो द ट्राइबल एंड बैलेंस शीट, ट्राइबल बैलेंस और जो बैलेंस शीट है ऑफ महावीर इंडस्ट्री लिमिटेड वो आप लोगों को बताना है। तो ये टैली के ऊपर पूरा का पूरा वर्क होगा आप लोगों का जो है, और इन्वेंट्री के साथ आप लोगों को जो है ये पूरा का पूरा टैली पर वर्क करना है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को एक तरीके से कंपनी क्रिएट करनी थी महावीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, एक तो ऐसा ही सेम ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एज इट इज मिलने वाला है आपके मेन एग्जाम में, मेन प्रैक्टिकल एग्जाम में। एक महीने का आप लोगों को प्रोग्राम वाला और एक जहाँ तक आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सेम ऐसा ही पेपर एज इट इज़ आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम में कोपा ट्रेड वाले स्टूडेंट्स को देखने को मिलने वाला है। जितने भी कोपा ट्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। इसके अलावा जो वाइवा है और कंप्यूटर के ऊपर लिखना कैसा है यार, अब देखो लिखना कैसे है कंप्यूटर के ऊपर कैसे डिज़ाइन करना है वो तो अभी मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा, आप भी समझते हो कि इतना क्विक वे में जो है वो सब चीज़ें पॉसिबल है नहीं। बट यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये बेनिफिट मिलेगा कि हाँ उनको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, और जो बिल्कुल नए कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक कुछ अता पता है नहीं उनको भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा कि हाँ क्वेश्चन पेपर इस तरीके से पूछा जाता है। तो यही ओवरऑल आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए ताकि प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी प्रकार की कोई असुविधा आप लोगों को ना हो। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हाँ किसी प्रकार का और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आज का कैसा लगा यह भी आप लोग जरूर बताइए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हाँ सीबीटी एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि रेगुलर यहाँ पे सीबीटी एग्जाम्स के लिए भी डेमो एग्जाम पेपर्स, इसके अलावा ओरिजिनल सॉल्व पेपर जो है वो इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।